के चौथे और आखिरी चरण के तहत होने वाले पंच और सरपंच चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता ने। पंचायत राज चुनाव के तहत चौथे और आखिरी चरण को लेकर कल ओसियां और देवरी ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। देवरी और ओसियां पंचायत समिति की 33 और 34 ग्राम पंचायतों में कल चुनाव है, उसी को लेकर आप यहां पर देख रहे हैं कि मतदान जो दल है उनको प्रशिक्षण यहां पर दिया जा रहा है। निर्वाचन विभाग की तरफ से प्रशिक्षण यहां पर दे रहे हैं। ईवीएम मशीनों का वितरण यहां पर मतदान दलों को हो रहा है। आपको बता दें ओसियां और तिवरी की 67 पंचायतों में कल पंच और सरपंच के चुनाव होने हैं, उसी को लेकर निर्वाचन विभाग की तरफ से यहां पर जो भी सेक्टर अधिकारी हैं, आरओ है, मतदान दल है, उनको यहां पर मतदान से पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईवीएम मशीनों का यहां पर वितरण किया जा रहा है ताकि जो निर्वाचन जो मतदान की प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक वहां पर कल संपन्न किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि ओसियां की 34 ग्राम पंचायतों में से एक पंचायत समिति पहले ही निर्विरोध सरपंच वहां पर निर्वाचित हो चुके हैं, तो अब 33 ग्राम पंचायतों में कल चुनाव है, उसको लेकर ओसियां और टीजी के ग्राम पंचायतों में 169 मतदान बूथ वहां पर बनाए गए हैं। 169 मतदान बूथों पर दोनों पंचायतों के 1,05,000 से अधिक मतदाता अपना मतदान करते हुए पंच और सरपंच का चुनाव वहां पर करेंगे। आप पीछे देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे मतदान दल है यहां पर उनको पूरी तरह से प्रक्रिया यहां पर समझी जा रही है कि किस तरह से उन्हें बैलेट पत्रों का इस्तेमाल करना है। जो वार्ड पंचों के चुनाव है वो बैलेट पत्रों से होंगे, उनको यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जो सरपंच के चुनाव है वो ईवीएम मशीनों से होंगे, तो आप देख रहे हैं कि ईवीएम मशीनों को यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं पूरी तरह से, वेरीफाई टेस्ट करने के बाद यहाँ से ये ईवीएम मशीनें लेकर मतदान दल अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना होंगे। तो कल ओसियां और टीजी की ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव, उसको लेकर निर्वाचन विभाग पूरी तरह से तैयारी यहां पर कर चुका है और मतदान केंद्र जो मतदान दल है वो मतदान केंद्रों की तरफ यहां पर अब रवाना हो रहा है। ओसियां से सहयोगी दर्जन के साथ रोहित सोनी।